किसानों की दिन ब दिन माली हालत खराब होती जा रही है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण किसानों की फसलें खराब हो रही है। किसान हर दिन यही सोचता है, आज पानी नहीं आएगा तो फसल बच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। किसानों पर दोहरी मार पर मार गिर रही है। करे भी तो क्या करे, किसान को समझ नहीं आ रहा। किसानों से जब फसलों के बारे में जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया, बहुत बुरा हाल है, अधिक वर्षा होने के कारण पूरी फसलें तबाह हो गई है। आने वाले समय में हमारे बाल बच्चों की शादी करना है, अब ऐसी हालत में पैसा कहाँ से लाएं? हम तो पूरी तरह डूब चुके हैं। गुहार लगाए तो किसके पास लगाए, कोई भी सुनने को तैयार नहीं। ना कोई पटवारी सर्वे करने आ रहा, ना कोई प्रशासन, बहुत संकट से जूझ रहे हैं। अब आगे गेहूं के फसल बोना है, उसके लिए बिजली बिल का कनेक्शन निकालना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि हम बिजली बिल का कनेक्शन भी नहीं भर पा रहे हैं। आने वाली फसल पर भी इसका असर, आने वाले प्रशासन से हमारी अपील है कि हमें मुआवजा दे, कम से कम बिजली कनेक्शन के लिए तो माफ़ी प्रदान करें, ताकि गेहूं की फसल किसी तरह उगा सके और बाल बच्चों का पेट भर सके। गोभी की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, कई किसानों के खेतों में टमाटर की भी फसलें तबाह हो चुकी है। तो गोभी के जो वीडियो आप देख रहे हैं, यह 3 खेतों की गोभी है जो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। इसी तरह सैकड़ों किसानों की गोभी प्रभात पट्टन क्षेत्र में तबाह हो चुकी है। एक तरफ सरकार बार बार किसानों के हितों की बात करे तो दूसरी तरफ किसानों की आय दोगुनी करेंगी। अब यहाँ तो फसल पूरी नष्ट हो चुकी है, किसानों की आय दोगुनी कैसी होगी? सरकार इसका जवाब दे। बलवंत बारसकर, राजू गायदानी, चंदू बारसकर, इन सब से पूछा तो इन्होंने एक ही सुर में कहा कि हमें किसी तरह इस संकट से उभारा जाए। खाने की परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि हम कहां से खाना खाएंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है। बार बार शासन से, प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमारी मदद करें। विजय बंजारे की रिपोर्ट। आप लोग ये गोभी के खेत में खड़े हैं, ये गोभी आपकी है? ये गोभी क्यों खराब हो गई? ये मौसम के पानी ज्यादा आ गया, अति वर्षा भयंकर हुई है। मतलब हर दिन पानी आ रहा, रोज ऐसा कोई दिन तो पानी आ रहा। रोज अधिक पानी आने के कारण गोभी इस प्रकार खराब होती है क्या? हो जाती पूरी हो गई। कितने एकड़ में गोभी लगी आपकी? दो एकड़ में करीब करीब कितना खर्चा आया होगा आपको? खर्चा है 90,000-95,000। 90,000 कोई बीमा वगैरह गोभी का? कोई बीमा नहीं है, अभी कुछ नहीं है। सोसाइटी में से हमने अभी क्या करती है, सोसाइटी में से हमने खाद बीज पैसा उठाया, अब उसमें कुछ लिखा होगा उन्होंने, सोसाइटी वालों ने। फिर अभी इतना खर्चा आपको आया तो आपकी तो माली हालत बहुत खराब हो गई होंगी। खराब क्या, खाने को मत आया, खाने अभी यार खा लोगे? क्या खाना पड़ेगा, क्या करते यार? तो शासन से कुछ मदद मिलना चाहिए हमें, कुछ अगर है तो करना चाहिए। कहीं लगाए आपने इसके लिए आवेदन? आवेदन क्या है, वो अपने जानकारी नहीं होती कहाँ क्या करना पड़ता है, इसका आइडिया होना चाहिए। पटवारी को आना चाहिए, देखना चाहिए क्या है। तो पटवारी देखने रहे आके, पटवारी के लिए तो पटवारी का काम ही है देखने का। अब किसान थोड़ी जाएगा पटवारी को किधर काम ना छोड़ के, ऐसा अगर किसान का पटवारी पीछे घूमेगा तो खेती कौन करें भैया? सही बात है, पटवारी का काम है सर्वे करना, सेवक है उन्हें आना चाहिए। ये बैठ के तनख्वाह लेते हैं, उसका काम करते नहीं है। अब इसके बाद क्या योजना है? योजना क्या है, बस बकर मारो। अच्छा, इसको बकर मार के खेत मतलब खत्म कर दूंगे। अभी इस गोभी के करना पड़ेगा ना, इससे एक भी रुपया आपको मतलब कोई प्रॉफिट नहीं होगा, यानी गोभी पूरी खत्म हो गई। आप भी क्या खेत के क्या हो यार? मैं बटाईसी किया है ये खेत मैंने, मामा जी का खेत है, मैंने बटाईसी किया हूँ। तो पहली बार गोभी लगा के देखा मैंने, तो पहले साल ही डूब गया मैं अतिवर्षा से। ये क्या लड़के बच्चे की शादी करना पड़ता है, निर्भर था पानी से आया। अब शासन ने कुछ मदद करना चाहिए तो शासन के पास आपको आवेदन लगाना होगा। शासन के पास आवेदन लगाएंगे ना, उसकी प्रोसीजर मालूम होंगे, पटवारी को बताएंगे तो हम लगाएंगे, वो करेंगे। फिर अब वो जारी किसान को होना चाहिए भाई, कौन बताएंगे जानकारी बताओ। धन्यवाद, जानता ही मिलना चाहिए। अच्छा, सांगते भाई है ना, तो भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो भाई, आप लोग थोड़ी गाँव में कहा दिख रही नहीं, किसान में किसान।